हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास। वी आर स्टडिंग अबाउट लाइफ प्रोसेस एंड वी हैव डन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स विच विल हैपन विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ वी विल डू द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स लाइक मैन। यू नो अमीबा एंड प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग, सो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। ठीक है, तो उनको किसी स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं एंड दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देयर सराउंडिंग। इन हायर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ स्पेशल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड गैस एक्सचेंजेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस। टुडे वी विल लर्न अबाउट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ मैन। इंसानों के बारे में पढ़ेंगे हम कि वहाँ का वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। एंड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ मैन हैज़ द थ्री मेन पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वैसल्स एंड हार्ट। ब्लड, व्हाट इज़ द ब्लड? ब्लड इज़ द रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ द रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो 6 to 8 liters ऑफ ब्लड होता है इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इसका नेचर होता है अल्कलाइन होता है, इसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स 2 होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। जो ब्लड प्लाज्मा है दैट इज पेल येलो नॉन लिविंग फ्लूइडी मैट्रिक्स, पेल येलो कलर का होता है, नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है। एंड 55 to 60% ऑफ ब्लड का पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट इज, और ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन्स, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये सब इसी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स है 3 types की सेल्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट इज इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आर आल्सो नोन एज RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये क्या होती हैं? सर्कुलर शेप होती हैं, बाई कनकेव होती हैं, कनकेव इस तरह की शेप होती है इनकी, बाई कनकेव एंड डी न्यूक्लिएटेड, मीन्स इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और ये WBCs से ज़्यादा होती हैं नंबर में। इनका साइज दे आर अबाउट 5 to 5.5 million पर क्यूबिक माइक्रोमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट, और ये इसका फंक्शन क्या का है? हीमोग्लोबिन को, यही इसमें हीमोग्लोबिन होता है, मींस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? यही करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है ना ऑक्सीजन को लेके जाने का। इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 115 to 120 days, 115 to 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। और ये इसके बाद क्या करते हैं, लीवर या स्प्लीन में ब्रेकडाउन हो जाता है इनका, जिसे हीमोलिसिस बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन इतना छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसी कारण इसका लाइफ स्पैन है वो छोटा होता है। नेक्स्ट, और ये इसकी फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स, दैट इज WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो राउंडेड होती हैं, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस होता है, नॉन पिगमेंटेड, इनका कोई कलर नहीं होता है, और RBC से साइज इनका बड़ा होता है। इसमें 5 types की सेल होती हैं, जिसे 2 categories में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्रैन्यूलोसाइट्स, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। नेक्स्ट इज एग्रो न्यूक्लियोसाइट्स, जिसमें आती हैं 2 types की, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स, थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट साइज की सेल्स होती हैं, इनकी ओवल शेप्ड होती हैं, कलरलेस होती हैं एंड नॉन न्यूक्लियड होती हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये भी बोन मैरो में ही बनती हैं। ठीक है, और इनके ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड के फंक्शन देखिए, प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ब्लड क्लोटिंग, मतलब जब हमें चोट लगती है तो हमारा खून अपने आप बंद हो जाता है ना, वो यही प्लाज्मा का ही काम है वो। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जब हमारी बॉडी में जर्म्स या बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, जो उन जर्म्स को किल करती हैं, तो एंटीबॉडीज़ को बनाना। RBC का वर्क क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। WBC क्या है? एज ए सोल्जर वर्क करती हैं। हिपेरिन, उसमें एक केमिकल है जो रिलीज होता है, उसका काम है कोएगुलेशन को प्रिवेंट करना, मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देना।
हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जब भी चोट लगती है, घाव बनते हैं तो उनको हील करना। लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे।